मज्जम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। मूलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कल दो बात विशेष रूप से की गई थी और उसमें ये लिखा गया, उदाहरण देकर के समझाया गया था, नीर में चीर का बनना या ये कहो पानी का दूध बनना, ये वर्ण लाभ है। इसको वर्ण लाभ कहा, लेकिन चीर का फट जाना या ये कहो चीर को फट जाना, ये वर्ण संकर है, अभिशाप है। एक वरदान है और एक वृद्धि को अभिशाप नहीं कहा, वरदान कहा, लेकिन हानि को और चीर का स्वभाव रूप हट जाना ये अभिशाप का रूप दिया गया है। वरदान और अभिशाप की बात यहां पर इसलिए कही गई है कि आज हमारे समाज की व्यवस्थाएं, समाज की स्थितियां हैं, धीरे धीरे यही हो रहा है, वर्ण लाभ ना होकर के वर्ण संकर हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले हमारे लोगों का एक सिद्धांत होता था कि कैसे भी हो अपने यहां अगर लोग धर्मात्माओं की संख्या बढ़े, धर्म आराधना के कार्य में लगने वालों की प्रवृत्ति बढ़े, लेकिन धर्म की हानि हो ये अच्छा नहीं है। ऐसी ही कुल परंपराओं में होता था कि अगर एक बेटा या बेटी धर्म मार्ग से च्युत होता है या धर्म मार्ग से विपरीत मार्ग की ओर जाता है तो वह है, ये कहा गया, सबसे बड़ी धर्म की हानि मानी जाती है, वरदान नहीं है, ये धर्म की हानि बताई गई है। आज विसंगतियां, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन हो ये रहा है कि आज हमारी शिक्षा संस्कार शिक्षा के अभाव में वो मूल वेश जो शिक्षा है उसके अभाव में ये दशा हो गई कि अपने धर्म से च्युत होने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमें अपनी संस्कृति और वर्ण लाभ के बारे में सोचना है, वर्ण संकर के बारे में नहीं सोचना है। कहीं आपके अपने बच्चे अपने मार्ग से च्युत हो रहे हैं या वो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं, अंतर इतना है कि हम उन्हें अगर थोड़ा सा सही एक सोच, एक
अच्छे संस्कार दें तो कभी चतुर हो नहीं सकता, भटक नहीं सकता। भटकन वही होती है जहां पर विपरीत परिस्थितियों को लोग क्या करते हैं, स्वीकार करना। उदाहरण दिया था, दूध तो गाय का भी है और दूध अकौआ का भी है। आचार्य जी ने इसमें मुखवाटी में अपन को दिया, पर दोनों की प्रणतियां स्वभाव कैसे हैं, अलग अलग हैं। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, दोनों की प्रणतियां अलग अलग हैं। आज ये हो रहा है, मनुष्य तो सब है, पर बंधु मनुष्य बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो दूसरी बात एक करना कि नाम से जैन होना अलग बात है, लेकिन कर्म से जैन होना हमें बहुत बड़ी विशेष बात है। मात्र नाम से हम जैनत्व को स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। यहां कर्म की प्रधानता मुख्य है, और जहां कर्म प्रधान हुआ करता है वहीं पर कर्तव्य परायणता हुआ करती है। जहां कर्म प्रधान धर्म प्रधान नहीं होती, हम उनसे पलायन करने लगे हैं, पालन की जगह हम भागने लगे हैं। भागो मत, स्वीकार करना हमारा जीवन का अंग होना चाहिए, यही हमारी विशेषता होना चाहिए। आज वही बात यहां पर कल की बात जो कही गई थी, उस बात को कंकरों की ओर से भारी गुस्सा जारी की गई है ना, कंकरों की ओर से बहुत शिकायत की गई, आप मुझे उससे अलग क्यों कर रहे हो। आप मेरे उनका रंग रूप सब एक सा है, पर मुझे अलग करके आपका ये कार्य उत्तम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इतने सब कहने के बाद उन्होंने जो कुंभकार ने उसको समझाया कि देखिए, वर्ण लाभ वालों का ही संयोग होता है, वर्ण संकर वालों का संयोग नहीं होता। अब और आगे उसका संबोधन चलता है, सुनना बहुत, आज बहुत अच्छी चीज है आप लोगों की। और विशेष महत्वपूर्ण चीज आ रही, भले आगे पेज नंबर 49 है ना, पेज नंबर 49 पर, अरे कंकरो, यहां पर संबोधन के साथ साथ और आगे की बात कुंभकार या ये कौ शिल्पी उन कंकरों से कह रहा है, अरे कंकरो, माटी से मिलना तो हुआ, माटी से मिलना तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से मिलना तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। इतना ही नहीं, देखिए, इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी, आप गेहूं पीसते हो है ना, और गेहूं के साथ साथ एक याद कंकर और पिस जाए तो क्या होता है। वो बात आ रही है, देखिए, कि चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपना अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। क्या अपना गुणधर्म भूलते नहीं तुम, चूरण बनते ही रेतीली माटी नहीं बनते तुम। यानी चूर तो जाते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा, अगर एक बार आपसे गलती हो जाए
और आटे में कोई कंकर पिस के आ जाए फिर रोटी बना के आपको दे दी जाए, फिर आपका कहते हो का होगा जो इसमें किस किस कहां से आ गई है ना। और जब भी कंकर उसमें किस किस आने लगती है तो किस किस भी होने लगती है, क्यों किसी को कोई पसंद नहीं है। वही बात है कि तुम पिस भी जाना पर पिस जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर का जो गुणधर्म है, जो माटी का गुणधर्म है, वो तुम माटी जैसे बन नहीं सकते हो। माटी जैसा बनने वाला, माटी जैसे गुणधर्म को अपनाने वाला, एक और बात आती है जो संबंध आप लोग व्यवहारिकता में अपने करते हो। आप लोग विवाह संबंध होते हैं, हैं? पहले विवाह संबंध जो होते थे उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि स्वजाति में ही अपने विवाह करने की बात की जाती थी। ऐसा नहीं कि नहीं वो मनुष्य वो नहीं है, वो भी मनुष्य है, लेकिन गुण धर्म की बात, स्वभाव की बात, संस्कार की बात जो है वो अलग अलग है। जैसे माटी का स्वभाव अलग है, कुंकर का स्वभाव, दोनों एक साथ हैं, मिले जुले हैं। सारे मनुष्यों के रूप में देखा जाए तो सारे के सारे सब एक साथ रहते हैं, पर एक का खान पान अलग है, एक का रहन सहन अलग है, एक का उठना बैठना अलग है, एक का चाल चलन अलग है, दूसरे का सब कुछ अलग है। एक की दैनिक क्रिया अलग है और एक की दैनिक क्रिया एकदम विपरीत है। जैसे माटी का स्वभाव अलग है और कंकरों का स्वभाव अलग है। दोनों साथ में तो रहते हैं पर साथ में होकर के साधर्मी नहीं है। क्या नहीं है? साधर्मी नहीं है, क्योंकि साधर्मी वो होता है जो समान धर्म वाला हो, उसका नाम साधर्मी। विपरीत परिस्थिति वाला होकर के, अगर विपरीत परिस्थितियों में वह बनकर के रहता है तो वह परिस्थितियां उसको प्रतिकूल कर देती हैं, अनुकूल नहीं करती। आज वही बात यहां, यही कि कंकर तुम पिस भी जाना चक्की में पर तुम अपना गुणधर्म नहीं भूलते, बोलते नहीं तुम भले ही चूरण बनते रेतेली माटी नहीं बनते। तुम चूरण बनते और क्या हो जाती है? रेतेली। क्या होगा? रेत कैसी होती है? किस 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 वाली होती है? रेतीली भी हो जाते हो लेकिन माटी नहीं बनते तुम। और देखो, जल सिंचन से भींगते भी हो, पानी डालो, पानी डालने के बाद भींगते भी हो परंतु भूल करके फूलते नहीं। तो भूल करके भी, बहुत शब्द देखिए आचार्य के, भूल करके भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम्हें आती नमी ना, जैसे माटी में नमी आती है वैसी नमी तुम्हारे अंदर नहीं आती। तुम में आती नहीं नमी ना, क्या तुम्हारी कमी ना। अब देखिए वो, क्या तुम्हारी कमी ना, ये तुम्हारी कमी नहीं है, है ना? अब बता दो रे सब है, बता दो रे कमीना। अरे अपनी कमी को जो बताए जो कमीना, जो दूसरों की कमी को देखे वो भी कमीना,
और अपनी कमी को बतावे बाबू कमीना नहीं होता, वो ज्ञानी होता है। आज तक कंकरों ने क्या किया, वो यही देख रहा है कि माटी के साथ रहे, मेरा भी अस्तित्व उसके समान है, वैसा ही वैसे मैं हूं। लेकिन गुरु धर्म की दृष्टि से मेरा और माटी का कोई संबंध नहीं है। पानी में पड़ जाए, गीला हो जाए, कंकर कभी फूल नहीं सकता, कितना भी डाले रहो। अपने यहां लिखा है संसार में बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो कैसे होते हैं। उन्होंने लिखा है कुछ मनुष्य वक्ताओं का श्रोताओं के लक्षण दिए हैं उसमें, एक आगम ग्रंथों में कई प्रकार के श्रोता बताए हैं, है ना। तो उसमें एक माटी की तरह श्रोता होते हैं, एक पत्थर की तरह श्रोता होते हैं, एक सरौता की तरह श्रोता होते हैं, और भी कम से कम 8-10 तरह के श्रोता बताए। एक मच्छर की तरह श्रोता होते हैं, एक मक्खी की तरह श्रोता होते हैं, एक भौरे की तरह श्रोता होते हैं, एक चलनी की तरह श्रोता होते हैं। अब आप कहोगे महाराज इनका स्वभाव जन नाम से ही पता चल जाए, कहने की जरूरत है। माटी पे डालो फूल जाती है, अपने आप को नमी बना लेता है, मृदु बना लेता है, लेकिन कंकर पे पानी डालो तो गीला तो हो जाता है। कब तक? जब तक पानी में है, या पानी उस पे है या पानी में, और जैसे ही बाहर निकल तो बोले कि दशा ये है। एक माटी का फूला तो कम से कम 4-8 दिन तक गीला और बना ही रहता, संस्कार उसके ऊपर पड़ता ही है। लेकिन कंकर की तरह वाले कैसे, जैसे ही बाहर रखो 2-4 मिनट में पुनः फरेरे हो जाते। यहां जब तक सुने, जब तक गंगा स्नान खूब किया, हर हर गंगे, है ना, यहां जब तक सुना, जब तक करते रहे हर हर गंगे, और बाहर गए काय की गंगे, अपने लग गए मन में चंगे। ऐसे ही है, उसको कहा गज स्नान की तरह। हाथी क्या करता, पानी में बैठा हुआ खूब पानी डालता है, खूब अपने आप को धोता रहता है जब तक पानी में रहा, और जैसे ही पानी के बाहर आया उठाई धूल फर। ये उदाहरण दिया किसको, असंयम की परिणति में रहने वाले उन जीवों के लिए कहा गया कि असंयम की दशा का ज्ञान बिल्कुल वैसे ही होता है। कितना भी उपदेश देना, कितना सब कुछ करना, सामने बैठा हुआ खूब ऐसा सोचता है कि बड़ा ज्ञानी है, सुन रहा है, समझ रहा है। जैसे हाथी जब तक पानी में खड़ा है तो खूब धोता रहता, अच्छा है भैया ये तो स्नान अब तो साफ सुथरा रहेगा। और जैसे ही तहीं से जाए तो एक बार किसी ने कहा था बहुत अच्छा, महाराज जी आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, आप लोगों के उपदेश सुन भी लायक तो है, सुनो चाहिए। खर्जा भी कह रहा है क्या करो चाहिए, सुन भी लायक है, सुनना चाहिए, लेकिन अगर उन उपदेश को हम पालन करने लगे हैं तो हम घर में नहीं रह सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं, उन उपदेशों को चरितार्थ नहीं कर सकते। मुख माटी वही तो कह रहे हैं आचार्य भगवान की मुख माटी पढ़वे लायक है, सुनवे लायक है, और अगर हम इसको पूरा आत्मसात कर लें तो आप कहोगे महाराज तुम लगता है अच्छे से मुख माटी सुनते नहीं हो। अगर हम उसमें से एक दशांश भी अपने आप को, एक अंश नहीं पूरा जितना हमने सुना है, 10% भी अगर आचरित करते हैं, कौन कहता है जैसे आचार्य सिंह ने कहा, अभी आपने पढ़ा था ना शुरुआत में मुख माटी में,
कि संत समागम की यही तो सार्थकता है। शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि संत समागम और जिनवाणी का समागम, जिनवाणी का वचन सुनने का अर्थ, इससे क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने लिखा था, संत बने या ना बने पर संतोषी नियम से बनता है। अरे भैया, आप बनो या ना बनो, संतोषी तो बन जाओ। संतोष तो बन गए, अब संतोषी बनना है। कहा बन गए, नाम बोले संतोष है। लो बोले कि संतोष तो है पर हम संतोषी है कि नहीं। किसी का नाम अशोक है, पूछा कि भैया तुम्हें तो कोई चिंता होगी नहीं, है ना। बोले कि क्यों, तुम्हारा तो नाम अशोक है। अरे भैया बहुत टेंशन है भाई, है ना। जब आपसे कहेंगे नाम तो अशोक है, टेंशन बहुत है। नाम के सार्थकता के अनुसार नहीं है काम, काम वो होना चाहिए। वैसे ही सोचना, विचार करना कि वही कंकरों की स्वभाव उन्होंने समझा रहे हैं कि देख थोड़ा सा समझ, विचार कर, जो तू अपने आप को कह रहा है कि नहीं मैं तो माटी के साथ ही रहूंगा। अरे थोड़े से अपना स्वभाव तो समझ ले, अपनी परिणति से समझ ले। अरे मृदुपन होना तेरा भाव नहीं है, तेरे अंदर का जो परिणाम है, तू अपने कल्याण, तू अगर कठोरपन छोड़ सकता है तो मैं तुझे रख सकता हूं। कर्कशता छोड़ नहीं सकता, कठोरता छोड़ नहीं सकता, और माटी के साथ अपस्तित्व बनाना चाहता है। वैसे ही कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, वो कहते घर छूटे ना, परिग्रह छूटे ना, घरवारे छूटे ना, बाल बच्चे छूटे ना, और क्या चाहिए हमें, मोक्ष चाहिए है। क्या चाहिए है, सीधा संसार से कल्याण हो जाए, अब मुझे संसार की झंझट में रहना नहीं है। तो भैया झंझट में रहना नहीं है तो और इधर ये भी करे कि छूटे ना, झंझट को तो पाल रखा है, झंझट से संबंध तोड़ना नहीं है, और कह रहा है कि मुझे तो मुक्ति चाहिए। एक साथ दो ही काम नहीं हो सकते भैया। लिखा है दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, और दो काम नहीं हो सयाने, विषय भोग अरे मोक्ष पयाने। एक साथ दोनों मिल सकते हैं। मुल ने कहा एक बताओ, एक साथ दोनों तरफ चल के बताओ। बोले कि मुझे इस तरफ पे जाना और इस तरफ पे भी जाना है। एक समय में दो ही तरफ चल के बताओ। बोले कि नहीं हो सकता, एक तरफ जिस तरफ मुख होगा वो साइड ही चल सकते, हम पीछे नहीं चल सकते। अच्छा ये बताया, दो मुख वाली सुई से कपड़ा सिल के बताओ। दो मुख सुई सिले न कंथा, सुई की एक मुख वाली ही जिसमें धागा डला हो वही सुई सी सकती है। अरे भैया हम तो दो ही हाथ में लड्डू चाहते हैं, इधर को भी मिले और उधर का भी मिले। अरे भाई ये तो संभव नहीं है। एक साथ संसार का स्वाद और मोक्ष का स्वाद तीन काल में संभव नहीं है। संसार को और मोक्ष का मार्ग एकदम उल्टा है। संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग उल्टा क्यों है, क्यों बताया बता। अपने आले का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसको कहा,
देखो उल्टा कर दो क्या कर दो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, संसार मार्ग। यानी जो व्यक्ति इधर कहते हैं सम्यक दर्शन, भगवान की पूजा करो, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, श्रद्धान करो, तत्वों के प्रति आस्था भाव रखो, और उससे उल्टा, अरे भगवान से दूर रहो, संसारी बनना हो तो, और मोक्ष जाना हो तो क्या करो, जल्दी जल्दी उनको छोड़ दें। देखिए संसार में जोड़ने का काम होता है और मोक्ष मार्ग में छोड़ने का काम होता है। एक में संग्रह है, एक में निर्वृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है, त्याग है। मोक्ष मार्गी कहता है जितना जितना बन सके अपने अंदर के राग भाव का त्याग करते जाओ, विषय भोग का त्याग करते जाओ। अगर आप जितना विषय भोगों का त्याग करते जाओगे उतने उतने अपने आप के समय में आते चले। वही बात कंकरों को समझाया जा रहा है कि रे सुन कंकरों, तेरी कमी क्या है? बहुत अच्छा, यही तो तुम्हारी कमी है कि भूल करके तुम कभी फूलते नहीं। माटी सम तुम में नमी आती ना, क्या वह तुम्हारी कमी ना? ये तुम्हारी कमी नहीं है, बता दो रे। अब अपन कहेंगे महाराज यहां पे तो गाली दी आचरसी ने, क्या कमी ना? कमी ना का अर्थ लोग जैसे कहते हैं हाँ ये तो शब्द अच्छा नहीं लग रहा, कर्कश है, कठोर है, लेकिन कभी कभार एक ध्यान रखो, कांटे को कांटे ही से नकारा जाता है ना? अगर कोई की कमी हो और कमी वालों को अपन थोड़ी और प्रशंसा कर दो तो कमी वालों और सिर पे चढ़ जाता है, और अगर उसको समझा बुझा करके और उसको उसकी कमी को दिखाया जाता है तो उसको काम करने के लिए वही है। इसलिए कहा कांटे को कांटे से ही निकालो, कंकर को कठोर बात से ही उसको अभिशास कराना पड़ेगा। इसलिए उसको कहा कि भाई देख, तू अपनी कमी को देख, यही तेरी कमी नापन है, अपने झाको, सोचने की कोशिश करो और आगे बढ़े, बता दो रे। उससे पूछा गया, अब तुमको आगे कहते हैं, और तुम में कहां है वह? अब गुणधर्म की बात हो रही है, देखिए उसके अंदर के स्वभाव की बात हुई, अब गुणधर्म की बात से देखना। तुम में कहां है वह जल धारण करने की क्षमता? तुम में कहां है जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी, जलाशय में रहकर के भी युगो युगो तक नहीं बन सकते जलाशय, तुम नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य कहूंगा। तुम्हें क्या कहूं? पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, क्योंकि तुम स्वयं में अपने आप को कैसे हो, कठोर हो। हृदय शून्य तो नहीं हो, है कछु काम के तो हो। जैसे उदाहरण वहां पर, पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा, दूसरों का दुख दर्द देख करके भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। पत्थर को कभी पसीना आया? नहीं आया। देखिए माटी को तो पसीना आ गया, मुलायम हो गई, जैसे ही आपने देखा तो मलहम बन गई, थोड़ा सा भी
गधे का पसीना का संबंध हुआ, वो फूल गई, फूल करके मरहम बन गई, ये उसका सबसे बड़ा दया पसीना था। अगर उसकी समय कंकर होता और पत्थर वर होते तो और अच्छे से चुपते। एक ध्यान रखो, मिट्टी से मिला हुआ कंकर कम चुपता है ना। बारिश कभी चल रहा हो और बारिश हो जाती, बारिश हो जाने के बाद जो जहां जमीन पे जो कक्कर पड़े हो, कंकर पड़े होते ना, और मिट्टी उनके साथ मिली हो तो उस समय पैरों में कम चुपते हैं वो। और जब मिट्टी उसे धुल करके बाहर निकल, अकेले शुद्ध कंकर रह जाते हैं। आज अभी हम लोग अभी जंगल जाते हैं रोज, दो चार दिन से पानी नहीं गिरा, कल अच्छे झमाझम बारिश हो गई है, तो रास्ते में जो मिट्टी जो जमी थी वो हो गई बिल्कुल साफ, जो कंकर बिल्कुल थे बिल्कुल खुल के आ गया, पैरों में सीधे चुभते हैं। अब आप ये कहो कि देख, वही बात है कि तुम्हारा हृदय पाषाण हृदय है, तेरे अंदर दया का भाव नहीं है। तू कहा दे दयापन के साथ नहीं हो सकता। और तू जलाशय भी, जलाशय में रह करके भी युगों तक आतक जलाशय नहीं बना, तुम जलाशय नहीं बन सकते। जलाशय कभी भी कोशिश करो, आप पत्थर जमा दो, जैसे कोई बांध बनाना है, बांध बनाना है ना, और बांध बनाते समय हम मिट्टी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो पत्थर ही पत्थर लगाएंगे। अब पानी रोको, रुकेगा वो, कहे भैया तेरे अंदर जलाशय बनने की क्षमता है, तू रोक नहीं सकता, तेरे अंदर किसी को ठहरने के भाव, आत्मीयता के भाव है ही नहीं। पाषाण हृदय वो कभी दूसरों को सम्मान देता ही नहीं। अरे रुक रहे हैं तो रुक जाओ, नहीं तो जाओ। बिल्कुल। और पत्थरों के साथ साथ जैसे ही मिट्टी को उसके साथ डाल दिया जाता है, बड़े से बड़े बांध, उस बांध की दीवार को हिला नहीं सकता, पानी कितना ही भी आ जाए, काली मिट्टी अच्छी चिबक करके उसके साथ, बीच बीच में पत्थर तो है ही, पत्थर क्या कर सकते हैं। अब ये सोचो पत्थर किसके सहारे टिका, अकेला पत्थर रख दो, पानी की बाढ़ आना तो पत्थर बहा करके। अबे आए दिन आप लोगों ने देखा, अभी महाराष्ट्र में एक जगह एक बांध हुआ, विस्फोट हुआ उसका, कुछ समय पहले, एक दो साल पहले हुआ था है ना। और जब वहां से देखा तो बड़ी सी बड़ी शिलाएं, यानी माटी की पकड़ ढीली हुई, पानी ने अपना प्रभाव बढ़ाया, धीरे 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 जा जा करके माटी के ढीलेपन को घुल घुल करके बाहर कर दिया पानी ने, और अब रहे अकेले पत्थर। और फिर झोंका आया तो पत्थरों को बहा करके ले गया पूरे के पूरे गांव के गांव बह जाते हैं। इसलिए यही बात कही जाती है, पत्थर का स्वभाव स्वयं तो टिक नहीं सकता क्योंकि पाषाण हृदय है, वही बात यहां पर कही गई। लेकिन माटी के साथ टिकने वाला जो है उसका हृदय अपने आप है, पाषाण हृदय नहीं है। दूसरे के दुख दर्द देख करके आज तक कोई भी पाषाण हृदय के अंदर सीना पसीना नहीं आया, जैसे माटी के अंदर जो मृदा थी, जो भाव था, वो नहीं आया, नहीं आ सकता उसे पसीना। ऐसा है तुम्हारा सीना, यानी लोक व्यवहार में आप लोग कहते जब कोई से अपन कछु सुनाओ, महाराज उन्हें तो यह सब भाई भी पाषाण हृदय है, बोले कि तुम आओ तो पथरा पड़ गो, तुम्हारे पत्थर नहीं, तुम्हें तो एक दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं है, एक ही हृदय में तो कब पड़ गए, पत्थर हैं, इसको तो कोई दूसरे का दुख दर्द दिखाई ही नहीं देता।
ऐसी तुलना करते हैं, ऐसा उसको बताया जाता है, पाषाण हृदय ऐसा किया जाता है। पत्थरों को वही तुलना देकर के उनको समझाया जा रहा है और उनकी उग्रता को दूर करने के लिए वो शिल्पी उनको अच्छे से थोड़े से कटु शब्दों से, कभी पहले बीठे बीठे शब्दों से समझाए फिर भी नहीं माना, तो आप थोड़ा सा कठोर होकर के उसने समझाया। और सुनो आगे बात कहती, फिर भी अभी और भी बाकी है तो सुनो। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदोपदेश सदा देश है ना, सदा हमेशा देश प्रतिक्षण सदोपदेश और सदा देश हमें यहां मिला है कि पापी से नहीं। गौर करना अच्छे से, ये सूत्र है सुक्ति है, क्या मिला है उपदेश, पापी से नहीं पर के पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से। घृणा करो अय्यारी नरसे नारायण बनो, समुचित कार्य समुचित कर कार्य। यहां ये कहा जा रहा है पापी से घृणा मत करो, किससे करो, हो अपने यहां भगवान पार्श्वनाथ भगवान के इतिहास को अपन उठाते हैं, कमठ के जीव ने कितनी बार उनके साथ क्या किया, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं, कम से कम 10 भाव तक उनका क्या चलता रहा, बैर भाव चलता रहा, कौन जीता, हर बार कमठ ने बाजी मारी, किसने बाजी मारी, बोले कि देखिए एक तरफ है जब पार्श्वनाथ का जीव हाथी बना तो वो जाकर के क्या बन गया, सर्प, दिखने में छोटा था पर गुणधर्म की कार्य की दृष्टि से देखा जाए कुर परिणामी था, उसने उसको काटा हाथी मर गया। इस बार भी कई बार जाकर के उसने एक भाव नहीं दो भाव नहीं 10 भाव तक और अंतिम भाव में भी को उपसर्ग किया, जाकर के संबर जाति का देव बन गया है और पार्श्वनाथ भगवान कहाँ बैठे हैं, मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, उपसर्ग कर रहा है, पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, क्योंकि अब देव था, विक्रिया संपन्न है, सापानुग्रह शक्ति होती है देवों के साथ, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास इतनी ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी को उठा भी सकते हैं तो किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को अगर प्रसन्न हो जाए देवों के पास अपने यहां, जो सभी देवों के पास, चाहे वो भवनवासी हो चाहे वेंतर हो चाहे ज्योतिषी हो और चाहे वो वैमानिक देव हो, सापानुग्रह शक्ति संपन्न देव होते हैं। सापानुग्रह शक्ति का अर्थ क्या होता है, सापानुग्रह शक्ति का अर्थ होता है कि अगर किसी पर रुष्ट हो गए तो परेशान भी करते हैं, इसलिए बंधुओं लोगों से कहा जाता है कि जीवन में किसी से दुश्मनी करके मत जियो। पता नहीं अगर वो देव बन गया थोड़ी सी भी दुश्मनी भाई, और बनने के बाद उसने जैसे ही देखा और देख करके उपसर्ग करना चालू कर देता है। और पहली बात तो चाहे कोई भी देव बने या ना बने, अगर त्रेंची भी बनता, सुखवाल मुनि कथा पढ़ो, सुकौशल मुनि महाराज की कथा पढ़ो, उसमें लिखा है कि देखिए वो त्रेंचनी एक सियारनी बन गई, कौन, पूर्वभव की उनकी भाभी गुस्सा में मर करके,
बस थोड़ी सी गलती ये हो कि गुस्सा में एक बार उन्होंने क्या कर दिया था, भाभी को लात मार दी, हो गई घर गृहस्थी में आपस में लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर के, विवाद हो गया, गुस्से में जाकर की भाभी को उन्होंने लात मार दी और लात मारने के परिणाम से वो इतने संकलेश परिणाम से हुई मरी, और मर करके वो स्यार नहीं बन जाती है। और ये सुखभान मुनि महाराज की पर्याय में पहुंच वो है, मुनि बन जाते हैं। मुनि बन जाने के बाद वो देखती है, ओ हो जी वो ही है, इनने हमें लात मारी थी, जाति स्मरण हो जाता है उसको। इसलिए कहा वो जाकर के उसी पैरों को खाना चालू कर देते, पर उनका कुछ हुआ नहीं। वो अपने बदले के सोचता है, अज्ञानी जीव कहते मैंने तो अपना बदला ले लिया, पर ज्ञानी वहां वो अपने आप में स्थिर करके अपने आप में स्थिर बना लेता है और बना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, स्थिर बना अपने परिणाम में स्थिर। कमट का जीव करता रहा अपना काम, आखिर हारना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा, चरणों में साष्टांग हो गया। और साष्टांग हो करके उसने अपने आप को क्या कर लिया, त्याग से अपने आप संबंध जोड़ लिया, उसको सम्यक दर्शन हो गया। भाव भाव की भटकन मिटक गई, ये है। इसलिए शत्रु सोचता है कि मैंने बार कर दिया, जीत गया जीत गया। शत्रु कभी नहीं जीतता, जीतता तो क्षमाधारी है, सहन करने वाला। और तात्कालिक लग रहा है उसको ऐसा कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, पर उससे होना जाना कुछ नहीं है। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कौन किससे कितना बन सका, कौन कितना उनसे मिल सका, अच्छाई के ऊपर कितनी भी बुराई हावी हो जाए, लगता जरूर है। देखो सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ ये बात लिखा है नीतिकारों ने, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। क्या नहीं होता, लोगों को लग रहा है कि अरे भाई ये तो बहुत परेशान है, आज को सारे के तम असत्य का बोलबाला है, ऐसा है वैसा है। बंधु सत्य परेशान तो हो सकता है, विपरीतताएं उसी के सामने आती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास, 10 भाव तक बदला लेता रहा लेता रहा लेता रहा, लेकिन हार किसकी हुई, कमठ के जीव की ही हुई, पार्श्वनाथ के जीव की। उन्हें केवल ज्ञान, हर भाव में विकास ही हुआ उनका, वही बात है। यहां पर कंकरों के माध्यम से उनकी कमी को तो उन्होंने दिखाया, कमी को बताया, और कमी को बता करके उसको संबोधन दिया। वही बात है, युग युगों से तू अपने गुण धर्म को पहचान, तू कभी जलासा नहीं बन सकता, तू हृदय शून्य है, परंतु पाषाण हृदय, हृदय शून्य तो नहीं कहूंगा पर पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों के दुख दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देते, आक्रमण के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, और लगता है तेरे अंदर नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। फिर भी संतों का सदुपदेश सदा देश हमें मिला, पापी से नहीं, किससे करो, पाप से घृणा करो, पंकज से नहीं पर पंख, पंख यानी कीचड़, राग देश पाप, ऐसे इनसे क्या करो, घृणा करो। आई आर्य, हे आर्य, जो आर्य होगा
वही ऐसा करेगा। नर से नारायण बनो, समयोचित कार्य करो। समयोचित का अर्थ है जैसा समय चल रहा है, जैसे समय का कार्य हो रहा है, समय को देख करके कार्य करो। अगर लगता है कि यहां बोलने से मेरा अहित होगा, यहां मुंह खोलने से अहित होगा, ऐसी जगह बोलना ठीक नहीं है। समझदार वही होता है, वहां बोलोगे फंसोगे। इसलिए यो शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं। कैसे अब अलग हो गए माटी से, तो दृष्टि कल्पना कैसी, दीनता भरी दृष्टि से अपनी कमी की एहसास हो गई। दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। आप संबोधन दे रही कौन कौन, किसको संबोधन दे रही है? माटी कंकरों से कह रही है। अभी तक तो कौन डांट रहा था? शिल्पी। अब माटी कंकरों की ओर मुड़ी देखती है, माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी कि, अब उसको माटी की देशना देती सी कि महासत्ता माँ की गवेशना समीचीन एसना और संकीर्ण सत्ता की विरेचना अवश्य करना है तुम्हें। समझा रही है माँ उसे, बेटा अपने साथ मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ बन करके रहो। अब तुम्हें देशना देती है कि तुझे महासत्ता, तेरा अस्तित्व क्या है, तेरा अपना स्वभाव क्या है। उस महासत्ता को देख, तेरी अपनी सत्ता है उसको पहचानने की कोशिश कर, उसकी विवेचना गवेषणा कर, खोजबीन कर। गवेषणा का अर्थ खोजबीन कर। समीचीन एसना जानो, देखो अच्छे से। एसना का अर्थ क्या? देखना। गवेषणा का अर्थ होता है खोजना, एसना का अर्थ होता है अच्छे से देखना। और संकीर्ण सत्ता की क्या करो, अपने अंदर की जो संकीर्णता है, जो तुम भरा पड़ा हुआ है, उसकी विरेचना बाहर फेंक। विरेचना, विरेचन का अर्थ होता है बाहर फेंकना, उल्टी कर दो। विरेचना किसको, किसकी? संकीर्णता की। संकीर्ण सत्ता की विरेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन है। जिसने अपने अंदर की दीनता लघुता छोड़ दी, वही बड़ा बन सकता है। इसलिए कहते हैं छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। पहले से सोच लो ऐसा ही करना है, एक विशाल दृष्टि बना करके रखो। वही बात है, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही, का यजन ही सबका सृजन है। अपार सागर का पार, पार जाती नाव हो उसमें चीत का अभाव हो, क्योंकि वही नाव पार जाती है जिसके में छेद। अरे भाई, संकीर्णता से भरी दृष्टि से अगर तुम रहोगे तो कभी भी संसार सागर को पार कर ही विशाल दृष्टि बनिए। सोच अच्छी रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, और अपार सागर के पार नाव उसमें छेद हो तो नहीं जाती। आगे की बात, यहाँ पर छेद आगे शुभ सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव हो उसमें छेद का अभाव। कैसा होना चाहिए? फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है और वह
घबराहट ना ही जल से है और ना ही जल के गहराव से है, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है। तरल सत्ता अर्थात देखो, ये जहां तरल सत्ता बिल्कुल शांत गहरा पानी होता तो वहां क्या होता है, शांत स्वभाव में बिल्कुल बैठा रहे, लेकिन जहां उथलापन होता है धार कैसी होती है, खलबली मची होती है, तो वहां पर वही क्या है, जल की सरल सत्ता के विभाव से है, पानी का स्वभाव शांत रहना है, खलबली मचाना नहीं है। और विभाव ये होता है कि बहाव जब तेज होता है तो वही विभाव का जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अधडूबा हिमखंड है मान का मापदंड। और आगे की बात अभी विशेष रूप से समझेंगे आगे, आज अभी इतना, क्योंकि और दूसरा भी कार्य है आज, है ना। अभी कल परसों में आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बहुत अच्छे साधक ने यहाँ पर अपने जीवन को बहुत विकट परिस्थिति में रहकर के भी अपने जीवन को धन्य बनाया, ऐसे साधक के साधना की सराहना भी हमें करना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में रह करके जिनने अपने मन को अनुकूल बनाया, गुरु कृपा से जिनने अपने मरण को सुमरण में परिवर्तित कर दिया, समाधि मरण की ओर अपने कदम बढ़ा लिए, ऐसे उन साधकों के हमें सराहना और प्रयास करना चाहिए भगवान, कि हम सबके जीवन में भी ऐसा ही क्षण आए, हम भी अपने जीवन को विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बना सकें। ऐसे साधकों की सराहना करना हमारा अपना सबका कर्तव्य है, वही कार्य करेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने अगल बगल वालों को प्रेरित करें, उनके बच्चों को जो पूजा करने नहीं जाते उनके लिए, ताकि इस अगले चार घंटे के भीतर उनके भाव ये बन जाएंगे और रोज के लिए मुख से पूजन अभिषेक करने शांति धारण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। कल जिन लोगों के कलश रह गए हैं कल उनकी स्थापना होगी, और जिन लोगों के भाव और कलश विराजमान करने के हों आप लोग नाम उठाएं, ताकि मंदिर का निर्माण और तेजी से हो सके। एक नाम और हमारे पास आया, सत्यमान मास नीलम जय अभिषेक जय शासिका अंशदान विद्यादेश और सुखाबाई अजय कुमार आभा आराधा सरंजय शेष परिवार, ये सेवन वाला परिवार है। ये दोनों लगातार यहाँ पर शांत की विधान करते हैं लगातार छह वर्षों से। अब आज पहले जिन्होंने आप पहले जिनवाणी स्तुति कर लो, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सुवाणी मस्तक नो सदा दे धोडो, ये जिनवाणी भारती तो इद पो दिन देन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नमोस्तु। परम पूज्य गुरु जी अजय सागर जी महाराज जी।